हेलो बडीज, मेरी मम्मी बोल रही थी कि मैं इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाती हूँ तो उससे भी अच्छे बना लो कुछ। तो मैं सोची मैं आपको पढ़ने का एक चैप्टर बता देती हूँ अपने ईवीएस का, क्योंकि मुझे ईवीएस सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी। तो मैं सोची आज मैं ईवीएस कर लेती हूँ, कल मैं इंग्लिश कर लूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, आपको बताऊंगी, ठीक है? इंटरनल ऑर्गन, बोन, फर्स्ट इंटरनल ऑर्गन बोन। द बोन गिव्स SHAPE शेप, शेप एंड सपोर्ट OUR आवर बॉडी। सेकेंड इंटरनल ऑर्गन्स हार्ट, हार्ट पम्प्स द ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। हार्ट जो होता है वो हमारे बॉडी में ब्लड पम्प करता है। थर्ड बॉडी पार्ट, इंटरनल बॉडी पार्ट, इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, थर्ड इंटरनल ऑर्गन इज स्टमक। स्टमक डाइजेस्ट द फूड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। स्टमक क्या करता है, हमारा जो स्टमक होता है वो डाइजेस्ट करता है फूड, मतलब हम जो खाना खाते हैं वो स्टमक जो होता है अपने अंदर ले लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। फोर्थ बॉडी पार्ट इज लीवर। फोर्थ इंटरनल ऑर्गन इज लीवर। लीवर क्या करता है कि वो जो हमारा ब्लड होता है जो हम खाना खाते हैं वो उसको ग्राइंड करता है, वो ग्राइंड करता है उसको, उसी से ब्लड बनता है। और फिफ्थ इंटरनल ऑर्गन इज लंग्स। लंग्स क्या करते हैं, हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन लेने में। सिक्स्थ बॉडी, सिक्स्थ इंटरनल ऑर्गन इज वो क्या बोलते हैं, समझ नहीं आ रहा गाइस ये क्या है, किडनी। सिक्स इंटरनल ऑर्गन इज किडनीज। किडनीज क्या होता है, हमारे जो किडनीज होते हैं इस साइड में होते हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में होते हैं। राइट लेफ्ट आप कोई कोई लगता है राइट लेफ्ट, कोई कोई बोलता है लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट ऐसे करते हैं सब लोग। तो इधर इधर दो हमारे किडनीज होते हैं। तो सेवेंथ इंटरनल ऑर्गन इज ब्रेन। ब्रेन हमारे बॉडी का मॉनिटर है, जैसे लैपटॉप का जो सबसे सबसे ऊपर पार्ट होता है वो मॉनिटर होता है, मतलब सबसे ज़रूरी जो पार्ट होता है वो मॉनिटर होता है। ब्रेन भी हमारे सबसे ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि अगर हमारे पास ब्रेन नहीं होगा हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम खेल नहीं पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम बस ऐसे ही ऐसे ऐसे करते जाए करते रहेंगे। चलो अब आपको मैं बताती हूँ एट्थ इंटरनल ऑर्गन जॉइंट्स। जॉइंट्स मतलब जॉइंट्स, दिस इज जॉइंट्स, दिस इज जॉइंट्स, दिस इज जॉइंट्स, दिस इज जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या करते हैं, हमें मतलब मूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर हमारे जॉइंट्स नहीं होते तो मैं ऐसे मूव कर पाती इसको, और जॉइंट्स हैं अभी मेरे पास तो मैं ऐसे मूव कर रही हूँ जॉइंट्स को। तो ऐसे ही मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। बाय बाय।